करेश की अच्छी बल्लेबाजी, केतन मात्रे का जबरदस्त खेल, लेकिन आखिरकार जीत सूरज केने का जबरदस्त खेल और आखिरकार जीत हुई भावाले और साथ ही साथ मानकोली और वडावली भी। कल दी चेंज दी गेम, वडावली बी ने कमाल की बॉलिंग की और इतनी खतरनाक बॉलिंग की कि टेमगढ़ की टीम उनकी गेंदबाजी के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। कल पहला ही मुकाबला बहुत ही टफ इनकाउंटर था। कल छिंचनी का भाग्य साथ नहीं दिया, सिर्फ एक रन से वाकलन से मैच हार गई। आज वर्षा बिल्कुल नहीं है, धूप छन कर आ रही है, बादलों के पीछे से ही कारण है कि थोड़ा वार्म कंडीशन है। कल पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक जोरदार हवाओं के साथ बारिश चल रही थी। स्वागत है आप सभी का टेनिस क्रिकेट डॉट इन पे। संतोष नानेकर, गौरव सावंत एंड कंपनी का ये वो चैनल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर रखता है, मोर देन 19 लैक्स। इसीलिए कहता हूं द मिरेकल दी टेलीकास्ट, टेलीकास्ट का अजूबा। टेनिस क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूले। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। बैक टू क्रिकेट, टू अपना ऑन द ग्राउंड। सुखदेव भामरे द फेयरलेस कस्टमर, खतरों के खिलाड़ी और भावेश ठाकरे। भावेश ठाकरे भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। देखना है कि इलाका हमारा धमाका हमारा या इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। हालांकि जारी राजनोली के लिए डगर इतनी भी आसान नहीं रहेंगी, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा उलटफेर हो सकता है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए सबसे मशहूर खिलाड़ी, देखिए अगर शाहपुर और उसके परिसर की बात करें तो जेडी, अर्जुन बांगर बड़े बड़े नाम है, मूसा शेख। अर्जुन बांगर पहली गेंद भावेश ठाकरे के लिए, दो खिलाड़ी सर्कल में। तीन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे बिल्कुल पहरेदार के रूप में रखे गए हैं, जबकि ऑफ साइड में तीन खिलाड़ी बाउंड्री पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड। पहली गेंद जबरदस्त फोर्स शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पे पटकी हुई गेंद थी, दो रन से खाता खुला वहां पर भावेश ठाकरे का, दो रन से खाता खुला जे हरी स्पोर्ट्स राजनोली का। अर्जुन बांगर शायद जूतों की वजह से थोड़ी सी फिसलन महसूस की उन्होंने, सामना करेंगे भावेश ठाकरे। दूसरे मैच के लिए वरब के कैप्टन और दीवा स्पोर्ट दीवा के कैप्टन आज आर्यन भुईर की गेंदबाजी को देखने के लिए तैयार रहे अजय भुईर। और इस मरतबा खींच के मारा है, गजब का पुल शॉट है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। बॉल इज गोइंग 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 गॉन आउट ऑफ पार्क टू मिड विकेट फेंस फॉर 6, ग्लोरियस शॉट। नहीं भावेश सर, देखिए इंतजार का समय और बल्लेबाज समझ चुके हैं कि रन आना 70+ पहली टॉच के समय बताए थे और अपने होम ग्राउंड पर खेलते, बेनिफिट फायदा तो मिलेगा। अर्जुन बांगर बहुत कम देखने को मिलता है कि उनपे इस तरह का अटैक हो जाए। फिर से पंच किया है एक्स्ट्रा कवर में, दिलकश शॉट, 6 रन।
द एक्स्ट्रा कवर टेरिफिक शॉट 6 रन्स. भावेश ठाकरे ऑन फायर. अर्जुन बांगर बहुत कम देखने को मिलता है बाबूशा के पहले ओवर में इतने खर्चीले साबित हो. मरता क्या ना करता. राइट आर्म राउंड स्टंप जा रहे बांगर. कमाल की शुरुआत यहां पे भावेश ठाकरे की और जे हरी राजनोली की. ओ हो, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से. बांगर को भेज दिया है चंद्रयान की यात्रा पे. 6 रन आसमानी टोला. तो हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं. सिक्सर के हैट्रिक पे 500 रुपए का इनाम दिया है. व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट. दिस इज द फ्लाइंग स्टार्ट बाबूशा फ्रॉम स्पेशली भावेश ठाकरे. नहीं, भावेश सर सही सोच है भावेश ठाकरे का. कहते हैं ना, सेनापति को गिरा दो और सेना अपने आप गिर जाएगा. और यही सोच है अंजुन बांगर के ऊपर, इसलिए हमला. इस मरतबा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है. आउटफील्ड में खिलाड़ी हैं, दो तो कम से कम पूरे होंगे. नहीं, दबाव डाल दिए हैं भावेश सर. देखिए पूरी तरह से बल्लेबाजी से लगातार 3 छक्का लगा देना कि सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे. सही आपने बताया, अर्जुन बांगर इतने महंगे साबित नहीं होते हैं, लेकिन भावेश ठाकरे का अच्छा सोच है टॉस जीतने के साथ. देखिए सचिन ठाकरे साहब ने भी 500 रुपए का इनाम दिया है, लेकिन गजब की शुरुआत. इससे अच्छी बल्लेबाजी हो नहीं सकती. वार भी किस पे किया, मजबूत करिए अर्जुन बांगर पे. कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए. अर्जुन बांगर उछाल दिया है सीधा 6 रन. आज लग रहा है कि भावेश ठाकरे के हाथ में बल्ला नहीं है बल्कि तीर है, जो तीर की मानिंद सीधा जा रहा है. अर्जुन बांगर ने कितने रन दिए? 28. हालांकि कई मर्तबा मैंने कमेंट्री की है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, रबर क्रिकेट हो, अर्जुन बांगर इतने महंगे साबित नहीं होते. लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है भावेश ठाकरे को. शायद आज मन बना के आए हैं आर या पार. भावेश सर बात करेंगे, कल हम टीवी पर देख रहे थे दबंग दीपू इस तरह से बल्लेबाजी किए थे, लेकिन आज देखे सामने से एकदम करीब से कमेंट्री बॉक्स से आज भावेश की बल्लेबाजी देखना. टेनिस क्रिकेट डॉट इन लाइव, इससे टीवी पर यानी घर पे सो कर भी बड़ी इत्मीनान से इतनी अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी. और उसके साथ भावेश सर हाथों पर माइक फोन है, एक ही ना मानिए भिवंटी में टूर्नामेंट हो या भावेश सर की आवाज ना हो फिर मजा नहीं. स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, कल 6 रन बन गए सरदार. कमाल का शॉट बैट्समैन दीपेश माली, हालांकि उन्हीं के नाम भिवंडी टेनिस क्रिकेट का रिकॉर्ड स्विंग भी कर है. सबसे लंबा सिक्सर उन्होंने लगाया था बालाजी कप में चैलेंज पे गेंदबाज जोशी के सामने, जब 1 मार्च 2016 को उन्होंने वो सिक्सर लगाया था. ये देखिए दीपेश माली ने कल क्या गजब किया और क्या टेलीकास्ट है, बिल्कुल इंटरनेशनल. हमने बात की, स्क्रीन पे चल गया. इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन. ऑफिस टाइम के बाहर कट करने की कोशिश, वाइड घोषित किया. भावेश सर कल जब दीपेश माली ने एक लंबा छक्का लगाया उसके बाद जो आपने रिकॉर्ड दिया वो तारीख मार्च कुछ एक का, वो बड़ा काबिल तारीफ था. खूब मजा आ रहा था कल घर बैठ कर मैच देखने का. टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर भावेश सर की कॉमेंट्री. ओहो, तारामंडल में भेज दिया धीमी गेंद को. खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया और सुखदेव भी सिक्सर से खाता खोलते हुए. केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में बहुत चले थे, लेकिन आज अलग इरादों से उतरी है जय हरी राजनोली. स्कोर बातों बातों में 35. एक और गेंद मैदान के बाहर. दोस्तों आप हाइलाइट्स नहीं, लाइव मैच देख रहे हैं. और ये जो एक सिक्सर और लगाएंगे तो सुखदेव बामड़े को भी 500 रुपए का इनाम है. खतरों के खिलाड़ी खतरा बनते हुए. कमाल की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी है.
वो जो कहते हैं ना, जब रात है इतनी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। क्या बात है धुमाल सर, पहले हमने बता दिया था कि आज बारिश रुका है, आज चौके छक्के की बारिश हो गई। कहते हैं ना, बादल के गरजने से फसल उगती नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 टुकुर। देखिए धुमाल सर है, इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हर बात को जानते, पीच को जानते, कंडीशन को जानते, ऐसे ही कोई थोड़ी भविष्यवाणी करता है। 41 रन, बैकफुट पे गए, पंच किया, पीछे खिलाड़ी हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर जयहरी रजनोली का 42 रन। देखिए प्रमोद मात्रे एक ऐसा नाम है जिसने रजनोली के नाम को सारे दुनिया में पहुंचा है। वो क्रिकेट जब अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के और गेंदबाजों के पैर हलते थे उस वक्त उन्होंने साकार किया था, खासतौर से लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के शो में। ऑफिस टाइम के बाहर फ्रस्ट्रेशन वाइट दबाव में आ गए। देखिए क्रिकेट में डट के नहीं, डर के नहीं, डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया नहीं, जो डर गया वो घर गया। 43 रन, मूड बना दिया पहले मैच में, जितना डिले हुआ था उतनी मजा आ रही। लेट एंड ग्रेट, फिर ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइट, लग नहीं रहा है कि भावेश विशे गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बिट किया, कौन बनाया, संकेत भालेराव, संकेत मनेरा ने ऐलान किया है कि हर सिक्सर के लिए 500। अब शेयर मार्केट गर्म हो चुका है, पुल किया है भावेश के लिए है, लेकिन भावेश का आता हुआ ये पहला सिक्सर। मनेरा जी 500 खाली कीजिए। मात्रे के शॉट्स अच्छे थे क्या, ऋतिक पाटिल के शॉट अच्छे थे क्या, दीपेश माली के अच्छे थे क्या, करेश मात्रे के अच्छे थे, मुश्किल हो गया था, लेकिन आज तो मुश्किल है कि भावेश ठाकरे जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपेश के रिकॉर्ड को कहीं तोड़ ना पाए। 69 कल बनाए थे, 34 पे खेल रहे हैं भावेश विशे। इस मरतबा शॉर्टम पुल किया है, कंट्रोल शॉट है, आउटफील्ड में एक रन बना, दूसरे के लिए दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन पूरे किए भावेश ठाकरे ने। 36 पे पहुंचे भावेश, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 52 रन। रनों की वर्षा, वर्षा जरूर रुकी है, लेकिन रनों की वर्षा 2 ओवर में जब 52 बन जाते हैं तो ये बात को साबित करता है आपके पास 10 विकेट है, दोनों बल्लेबाजों की निगाहें जमी है, ये ट्रिपल फिगर जरूर होगा, 100 के करीब तो जाएंगी, लेकिन क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता है। मरता क्या ना करता, बॉलिंग में एक और परिवर्तन। नहीं बिल्कुल भावेश सर, देखिए पहले 2 ओवर में देखिए 52 रन आ चुका है, अभी भी 18 गेंद आना बाकी है, और उसके बाद जो आगे का मैच रहेगा, देखिए हर टीम के अंदर अभी ये चल रहा होगा, हलचल मच चुकी होगी कि यहाँ आज बहुत बड़ी टोटल लगने वाली है। और जब तक बारिश रुकी है, बाली भाकरे को बुलाया गया, हालांकि बाली ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था सुभाष, हालांकि केंद्रीय मंत्री में भी इस खिलाड़ी ने अच्छा किया था, लेकिन इस मरतबा गेंद के अंदर आकर खेला हुआ स्ट्रोक, कैच की कोशिश थी वहां पर, जीवन दान मिला है वहां पे, 2 रन हासिल किए सुखदेव भामरे ने, कुल स्कोर 54। बाबू शाह लगता है कि अब तय कर लिया है कि हर गेंद को घुमाना है, क्योंकि लंबा बैटिंग लाइनअप है। बाली भाकरे, इन्होंने भी वाइड डाला है, 1 रन और आता हुआ स्कोर में, 55 रन। ऐसा लग रहा है कि मैंने कल कहा था कि दोनों बल्लेबाज लग रहा है ठंडे दूध को फूंक मार के पी रहे हैं, लेकिन यहां तो दूध ही गर्म हो चुका है।
हाँ बिल्कुल भावेश्वर, कहा जाए तो निश्चित रूप से दूध से भी बनती है कॉफी, और हर टीम चाहती है कि रबर बॉल के मिल जाए एक ट्रॉफी। इस मरतबा अंदर की जानिब काटा था, फिर वाइड, एक रन और आता हुआ, दबाव में आ गई बुर्शी थी जैसी टीम, होम इलेवन बुर्शी थी। लेकिन इस टीम की भी अलग कहानी है, ये टीम कभी भी किसी के भी सामने सिर्फ उंगली नहीं खींचती, खींचती है तो पूरा कंधा ही खींचती है। बाली भाकड़े सामना करेंगे सुखदेव। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, ऑनफील्ड अंपायर की मालूमात के लिए के लेग बाय, रिव्यू नहीं है और LBW भी नहीं है। स्कोर आगे सरकता हुआ 57 पे पहुंचा है, 36 पे बल्लेबाजी कर रहे भावेश ठाकरे, क्या बल्लेबाजी की है, मूड बना दिया है। मनेरा की तरफ से भावेश के लिए हर सिक्सर पे ₹500 का इनाम है, एक लगा चुके हैं, वैसे बहुत लगा चुके हैं। पुल कर दिया है, गजब का शॉट, चमाट स्ट्रोक, 6 रन। नहीं, ऐसा लगता है बारिश रुकने के साथ साथ पूरी सिग्नल खुल चुकी है। और भावेश ठाकरे के क्या बल्लेबाजी भाई, 10 गेंद पर 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम का स्कोर देखिए 63। वड़प के कैप्टन और दीवा स्पोर्ट दीवा के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स के लिए मैं रिपोर्ट कर, ₹1,000 विनोद ठाकरे साहब ने भावेश ठाकरे के 50 के लिए रखे हैं। इस वक्त वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 40 पर। इस मरतबा हल्के हाथों से चेंज ऑफ पेस को खेला था, 2 रन आते हुए बहुत बढ़िया। देखिए विनोद ठाकरे साहब लगातार देखिए उत्साहित बढ़ा रहे हैं, 38 शतक के लिए 1,000 और मानेरे साहब देखिए भावेश के लिए भी हर छक्के के लिए ₹500। 44 पे खेल रहे हैं भावेश ठाकरे, अगर एक सिक्सर लगाते हैं तो टीम तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगी, उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। विनोद ठाकरे साहब और मनेरा ने यहां पर इनामात की बौछार लगाई है। बाली भाकरे अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल, ओवर नंबर 3 चल रहा है, कुल स्कोर है 65 रन बिना किसी विकेट के, ये हरी राजनोली। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ फाइन ग्लांस किया है, लेकिन गेंद घास में फंस गई है, 1 रन आता हुआ स्कोर में। मशहूर ऑलराउंडर सागर भुईर ने राजनोली टीम को ऑल द बेस्ट कहा है। टेनिस दुनिया का पहला क्रिकेटर है, बॉलर है, जिसने LBW का हैट्रिक किया है टेनिस क्रिकेट में। इस मरतबा हुक कर दिया है, कोई मौका नहीं, गेंद वाइड फैलने के ऊपर, 6 रन। की समाप्ति हो चुकी है सुभाष, और रन बने 72 बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं। आइए देखते हैं ये भावेश ठाकरे ने किस तरह से बल्लेबाजी की। पहली ये बहुत खूबसूरत शॉर्ट ऑन पुल था, ये उनका दूसरा पंच किया था, जगह दी थी वहां पे कवर के ऊपर से, 6 रन। ये देखिए ये शॉट देखने लायक था, ऑन द राइज बिल्कुल आसमानी टोला, 6 रन। इस शॉट को देखिए, बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला था, रैपिड स्ट्रोक था, 6 रन। उसके बाद ये देखिए खींच के मारा था मिड विकेट बाउंड्री पे शॉर्ट आर्म पुल, 6 रन। क्या टेलीकास्ट है, मान गए आपको टेनिस क्रिकेट। नहीं बहुत बढ़िया, इसलिए तो मैं कभी कभी भविष्य बोलता हूं कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां टेनिस क्रिकेट का कहर नहीं।
और उसके साथ साथ यहाँ पर कहर भावेश ने भी बरसाया भाई, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और भावेश ने इस इनिंग में गेम बदल दिया। 12 गेंद के पर 45 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अर्धशतक देखिए बात करेंगे करीब है। अगर विनोद ठाकरे साहब देखिए मनोबल बढ़ाए हैं अर्धशतक के लिए 1000 के आस पास रहेगा। धुमाल सर कौन कहता है हमारे पास ICC नहीं है, BCCI नहीं है। अगर महाराष्ट्र की धरती पर ऐसे हो हस्ती और थोड़ी सी देखिए यहाँ पर पानी देखिए यहाँ से कहते ना कीमत पानी का नहीं, कीमत हमेशा प्यास की होती है, और कीमत चौके छक्के का नहीं भावेश सर, कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि भावेश ठाकरे ने अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन उनका साथ भी देखिए सुखदेव ने क्या दिया, 6 गेंद के पर 21 रनों का इनिंग्स। देखिए सुखदेव बामड़े के बारे में एक बात बताता हूँ, इस खिलाड़ी के पास बहुत ज्यादा तजर्बा है, घाट घाट का पानी पिया, अलग अलग फॉर्मेट में खेला हुआ खिलाड़ी है। और वो जो कहते हैं एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर, बहुत बढ़िया। देखिए पहला 3 ओवर का खेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और टीम का स्कोर है 72, लॉस ऑफ 0 विकेट है। अभी भी देखिए पहला विकेट का तलाश है, कोई बात नहीं, भोसड़ी टीम जानते हैं वापसी किस तरह से किया जाता है। अंतिम 2 ओवर देखिए जरूरी है एक अच्छी गेंदबाजी की, अर्धशतक के ऊपर बहुत बढ़िया टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद निकलता हुआ, नहीं गेंदबाज थोड़ा उंगलियों घुमा सकते हैं भावेश सर। देखिए जब बल्लेबाज बल्ला ही घुमा रहे हैं तो गेंदबाज को कुछ करना होगा, उंगलियां फिंगर रोल करनी होंगी, अपने लेंथ लाइन को थोड़ा बदलना होगा। भावेश देखते हैं क्या जिस रूप से बल्लेबाजी किए हैं वही रूप अजमाएंगे, नहीं इस बार भी देखिए ऑप्शन से काफी बार एक्स्ट्रा से और एक रन आता हुआ, टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचता हुआ 73। और भावेश की बात करेंगे 45-45 के पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अर्धशतक का इंतजार है क्या इस इनिंग को, और ये चलिए एकदम जड़ में यहां पर रखे थे, लोकल में एक रन लेंगे तेजी से और उसके साथ साथ देखिए फील्ड एकदम से खुला हुआ है, दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ। देखिए भी नहीं भूलना चाहिए कि बोर्शी थी एक ऐसी टीम है अभी अभी रबर चैंपियन ट्रॉफी हुई, 3 मरतबा 100+ रन बना चुकी, ये ख्याल प्रमोद मात्रे की भी जहन में होगा कि इस टीम को बहुत बड़ा चैलेंज देना होगा और अभी तक दिया जा रहा है। नहीं भोसड़ी टीम सही बताया भावेश सर, कहते ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ये टीम है मुसीबत से लड़ना जानती है। एक देखिए स्लिम विकेट्स यहाँ पर तैनात कर लिए नजदीक है, खास करके जहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, आक्रामक क्रिकेट दिखाते हुए। और इसके साथ देखिए अर्धशतक 1K47 अर्धशतक यहाँ पर भावी सर क्या कहना चाहोगे, कहते ना बचपन का पॉइंट जवानी में फिट नहीं होता और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता और हिटमैन इनिंग्स अर्धशतक। ग्रेट इनिंग फ्रॉम भावेश ठाकरे, क्या बल्लेबाजी की है, 7 सिक्सर लगाए उन्होंने, कमाल की बल्लेबाजी। और बिग एंड लेना चाहे भावेश आपको, वाकई में तमाम दर्शक इस तरह की बल्लेबाजी देखकर आपसे बहुत खुश है। दिस इज द ग्रेट इनिंग, अमेजिंग बैटिंग एंड सेकेंड 15 लेट नित्यानंद ठाकरे कप, फर्स्ट फ्रॉम दीपेश माली। चले 1000 भी देखिए यहाँ पर आता हुआ विनोद ठाकरे साहब इनकी तरफ से, ये तो ऐसा हो गया चोको बार के जैसे, आप भी खाइए आपके लाडले बच्चे को खिलाइए, टीम के लिए भी रन, खुद के लिए अर्धशतक। और उसके बाद देखिए और एक बड़ा हिट, अब तो गेंदबाज के लिए मुश्किल होता हुआ, दूसरा छक्का इस ओवर में अनस्टॉपेबल। तो उनकी आंखें अब खुल गई है, इससे अच्छी बल्लेबाजी क्या होंगी। बहुत बढ़िया, देखिए यहां से दबाव लगातार डालते हुए और एक देखिए हल्के हाथों से यहां पर, अच्छा सोचे इस बार थोड़ा गति का मिश्रण किया। और भावेश सर कौन कहते हैं रबर बॉल आप गति से मात नहीं दे सकते हो, अच्छी लाइन अगर अच्छी लेंथ हो। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 88, 88 रन हो चुके, चौथा ओवर चल रहा है और जिस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, क्या बल्लेबाजी की है, सुबह के मूड को बना दिया यहाँ पे भावेश ठाकरे और सुखदेव बामड़े ने। चलिए बहुत बढ़िया, साहपुर की देखिए टीम है और घुटेकर बॉल टीम ने भी देखिए शुभकामना भेजे यहाँ पर दोनों टीम के लिए, थोड़ा मुश्किल समय में है और नजदीक टीम देखिए
टॉस हारने की बात है पहले फील्डिंग बोर्सरी टीम को, लेकिन अभी तक देखे यहां से राजनीति टीम देखे सिद्दीक भावे सर बता रहे हैं भाई हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम है अभी तक की बल्लेबाजी। लेकिन जब सेकेंड इनिंग में यहां पर बोर्सरी टीम बल्लेबाजी के लिए आएंगे वो भी भाई बताएंगे कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। बहुत सारे मैदानों से इन्होंने मैच भगाए हैं भाई, भलाई इलाका देखे आपका हो लेकिन धमाका थी ना जानते मजा आएगा। लेकिन अभी तक देखे भावेश का सो बड़ा कमाल करा, 17 गेंद 60 रनों की बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, मुश्किल में थोड़ा सा गेंदबाज है। लेकिन कहते हैं ना मुश्किलों से डर जाना हमेशा आसान होता है और मुश्किलों से लड़ना हमेशा बहादुरों का काम होता है। गर्मा गर्म समोसा, जब तक रहेगा समोसे मालू लड़ता रहेगा ये भावेश। चलिए गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैयार। अरे चलिए भाई थोड़ा सा लेंथ छोटा था, कहते हैं ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया और भावेश छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। 6 रन। हार है 66 पे बल्लेबाजी करें, कल 69 रन बनाए थे दीपेश माली ने, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। देखते हैं यहाँ से भावेश, अब रिकॉर्ड नहीं वो देख रहे हैं कि टीम को एक अच्छी टोटल तक जहां पर लिया जाए वर्सिटी टीम के लिए और मानसिक दबाव डाला जाए। सिंगल ही अंतिम ओवर चलता हुआ 95-67 तक पहुंच गए भावेश। सुखदेव का इनका भी तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा, अच्छा साथ लिवाए हैं। कहते ना साथीदार जोड़ीदार एक अच्छा होना चाहिए। और ये साझेदारी देखिए, अब थोड़ा सुखदेव देखिए, ये तो शुरुआत से भी आक्रामक खेले हैं लेकिन देखते हैं यहां से अंतिम ओवर बाले देखिए। और ऊंचाई तो ली है, लंबाई की कम है, फील्डर है यहां पर पहला विकेट से यादव की सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया और लाख कोशिश के बाद बाली ने पहला सफलता लिया। हाँ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है सामने तेरा बुरसिटी सापुर का बाहुबली बाली देखिए, एक बाली देखते हैं यहां से बाहुबली बुरसिटी में एक जैसे गोटेकर बॉ के हमने बताया आतिश बांडे हम देखते हैं, लेकिन गोटेकर बॉ टीम ने देखे शुभकामना भेजे यहां से दोनों टीमों के लिए, बहुत बढ़िया क्रिकेट उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। नहीं बल्लेबाज बात करेंगे विनय देखे, कल विनीत वाली का भी सो बड़ा अच्छा रहा, आज विनीत भगत। हाँ ये देखिए भाई थोड़ा यहाँ पर ज्यादा लेग स्टंप के बाहर रहा, लेग कटर डालने का कोशिश था यहाँ पर, आज बहुत बढ़िया देखिए बल्लेबाजी के लिए एकदम कारगर साबित होता हुआ। नहीं काफी दूर नए बल्लेबाज हैं और अब भलाई उन्हें हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ गलती करते जा रहे हैं, छोटी छोटी गलती से बचकर रहना होगा। एक छोटा सा छेद बड़ी से जहाज को डुबा सकता है। 100 के करीब टोटल देखे पहुंचता हुआ 97 और उसके बाद देखे बहुत बढ़िया भावेश सर। देखिए भलाई आपके पास गति हो या ना हो लेकिन एक अच्छी लाइन एक और लेंथ अच्छा होना चाहिए। और इस बार देखिए गोल्डन में गेंद था, जब राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते तो कौन बदल कर गेंद बाहर की तरफ है। ठाणे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट देखिए स्वागत है उनका भी, हमेशा जुड़े रहते हैं विकी दादा कहने लीजिए या सागर दादा वो ले जाए या बात सवाई लीजिए। और इसी बीच देखिए और एक बड़ा हिट आते आते देखिए ताक दिए भाई छक्का, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। चलिए 3 रन दूर रह जाएंगे भावेश, भावेश यहां से बात करेंगे नॉस्ट्राइक पर रह गए शायद जो दीपू मालिका रिकॉर्ड से एक गेंद बचाए लेकिन ये विनीत सामने रहेंगे अगर एक्स्ट्रा गेंद हुआ। अरे चलिए अंतिम गेंद के पर हवा में गेंद है वाना 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 ग्रेट सिक्स।
बॉक्स पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए थोड़ा सा बता देंगे कि टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी चुने थे नट आउट भावेश रहे यहां पर 67 पर। टीम का स्कोर बात करेंगे, 109 रन बनाए हैं, जीत के लिए 110 की जरूरत है। और मनीष पाटिल सर जुड़े हैं टॉस बॉक्स पर। चला आपण पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकचा गोल करणार आहोत। रांदोळी गावाचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच सन्माननीय सचिन दादा वसंत ठाकरे आपणास विनंती करतो, आपण यायचंय टॉस बॉक्स मध्ये, आपल्या शुभस नाणेफेकची प्रक्रिया केली जाणार आहे। एक प्रमुख नेतृत्व आणि मार्गदर्शन सचिन दादांचं नेहमीच क्रिकेट प्रती मी आलेलं आहे आणि म्हणूनच प्रथम नागरिक या नात्याने गावचा सर्वांगीण विकास तर होतोच पण तरुणांना एक मार्गदर्शन देण्यासाठी ते नेहमीच तत्परतेने काम करतात। तर सरपंच सन्माननीय सचिन दादा ठाकरे यांच्या शुभस नाणेफेकचा कॉल होईल। हेड आणि टेल असा कॉल द्यायचा, एका बाजूला आहे वरबची टीम आणि एका बाजूला आहे हायवे दिवेची टीम। चल वरबचे कॅप्टन कॉल देतील, टेल इज अ कॉल आणि निर्णय जातोय तो म्हणजे हायवे दिवे संघाच्या पक्षामध्ये। धन्यवाद सचिन दादा, दोन्ही कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आपण पुन्हा एकदा आदरपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे। नाणेफेक जिंकलेली आहे, निर्णय काय असेल? बॅटिंग फलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे, खेळपट्टी फलंदाजांना साथ देते। खर तर हे खूप महत्वाचं आहे की मागे काय घडले ते लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायचा आहे, तर त्याच नीतीवर आपण काम करतोय। हो नक्की, आर्यनने चांगलीच कामगिरी 2-3 वर्षांमध्ये व्यवसायिक क्रिकेटमध्ये केलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात अजय भोईर हे देखील एक प्रमुख मार्गदर्शन तुमच्या संघाला मिळालं, तर काय सांगशील अजय भोईर यांचं जे मार्गदर्शन आहे, यष्टीरक्षण आहे, फलंदाजी आहे त्याबद्दल? मार्गदर्शन सर्वांना केले त्याबद्दल धन्यवाद। चांगली मॅच पाहायला मिळेल? हो नक्की, थोडे शांत आहेत पण मैदानाच्या आतमध्ये त्यांची आक्रमकता 100% पाहायला मिळेल। तर वरब टीम क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करायचं आहे, तर या निर्णयाकडे कसं पाहताय? मनासारखा निर्णय मिळालेला आहे, आता मैदानामध्ये पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते। बघा परिसर वेगवेगळे आहेत, आपण कल्याण डोंबिवली म्हणा, भिवंडी म्हणा, ठाणे म्हणा, पालघर म्हणा, मीरा भाईंदर म्हणा, प्रत्येक परिसरामध्ये वेगवेगळ्या स्पर्धा आपण पाहतोय आणि वरब पासून रांदोळी हा लांबचा प्रवास करून या ठिकाणी आलेला आहे, तर स्वप्न तर जिंकण्याचं असणार आहे, त्यासाठी स्ट्रॅटेजी प्रॅक्टिस काय सांगा प्रॅक्टिस बद्दल? स्ट्रॅटेजी तर काही नाहीये, परंतु खेळपट्टीला अनुषंगून मैदानामध्ये 11 जण मिळून खेळण्याचा प्रयत्न करू। व्हेरी गुड, एकत्र राहिला तर 100% तुम्ही लक्षात घेतलेलं काम तुम्ही मैदानात आणू शकता। नाणेफेक जिंकलेली आहे ती म्हणजेच हायवे दिवे टीमने, नाणेफेक जिंकून फलंदाजी निवडली आणि गोलंदाजी करायची वरब टीमला। दोन्ही संघात देऊ शुभेच्छा आणि जाऊया थेट समालोचन कक्षामध्ये, त्या ठिकाणी सज्ज असतील व्हॉइस ऑफ ठाणे सन्माननीय सिद्धी बावी सर। स्टे ट्यून ऑन tenniscricket.in। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। The great team. बैक टू क्रिकेट नाउ, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं भाईंदर की मशहूर आवाज, जिन्होंने बहुत कम पीरियड में बहुत लंबी छलांग उड़ी है और घर घर इनके बड़े मद्दा और फैंस हैं। मनीष पाटिल जुड़ चुके हैं जबकि लक्ष्य है 110 रन का। मनीष 22 का आस्किंग रन रेट, देखिए इस तरह के टोटल ऐसा नहीं कि चेस नहीं होते लेकिन 100 में एक मर्तबा, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने कारनामा अंजाम दिया था 12 मार्च 2006 में। हालांकि 12 मार्च बहुत इंटरेस्टिंग भिवंडी क्रिकेट में रहा है, सुभाष ठाकरे
पपिया खारिक और शुभा धुमाल का उस दिन जन्मदिन भी रहता है। पहली गेंद, ओ क्या घूमी लेकिन ज्यादा घूमी, वाइड से शुरुआत की है। बाली भाकरे और अर्जुन बांगर दोनों रिकॉग्नाइज ओपनर सामने हैं। यहां पर मनीष सांस लेके आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अटैक खेलना होगा। अक्षय गेंदबाजी कर रहे, फुल टॉस गेंद, जोर से मारने की कोशिश, आउटफील्ड में गेंद, एक रन बना और एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। मनीष एक बात कहूंगा, अर्जुन बांगर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने लक्ष्य कोई भी रहे उनकी कोशिश हमेशा 100% रहती। एक्झॅक्टली, कारण आता या ठिकाणी बक्षीस सुद्धा जाहीर झालेलं आहे विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपये, तसेच निर्धाव षटकासाठी सुद्धा सन्माननीय विनोदजी ठाकरे यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं बक्षीस बॉलरसाठी असणार आहे। धावसंख्या 2, अक्षय। ओ ब्युटी ब्युटी, क्या टर्न हुई थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद हलकी नीची भी रही थी। सुकलेली खेळपट्टी आहे, खरं तर फलंदाजांसाठी पोषक आहे, पण बॉलचा टर्न इतका भन्नाट आहे अक्षयचा, त्याचमुळे थोडेसे संभ्रमात दिसत आहेत बाली आणि अर्जुन। अर्जुन भांगड़े की आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उनको पता है कि जितने उनके गेंदबाज पीट गए हैं, अब चारा ये है कि लगातार 3 डॉट बॉल्स जरी आले तरी सन्माननीय विनोदजी ठाकरे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कैश प्राइज गोलंदाजांसाठी असणार आहे। कमाल की बॉलिंग करते बाएं हाथ के गेंदबाज है, देखना है कि मेरे ख्याल से बल्ला बदला है बाली भाकड़े ने, बल्ला बदलने से क्या नसीब बदल जाते हैं। अक्षय इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, बड़ी विकेट, अर्जुन बांगर आउट। या नावाने ओळखले जातात। आणि आता पुढचा एक बॉल डॉट आला तर मग सन्माननीय विनोददादा ठाकरे यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश पे, असं जाहीर केलं होतं की लगातार 3 डॉट आले तर ते बक्षीस मिळेल। आणि काय जबरदस्त कामगिरी पाहायला मिळते जय हरी क्रिकेट संघ रांधोळीची, बोरशी संघाला अक्षरशः रोखून ठेवलंय, अडवून ठेवलंय, थांबून ठेवलंय फक्त 2 वर। अर्जुन बांगर का आउट होना इस बात के संकेत है कि दबाव अब ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या कमाल का परफॉर्मेंस देख रहे हैं अपने घरेलू मैदान पे टीम जे हरी राजनोली का, पहले रनों की बौछार, अब अर्जुन बांगर को चलता कर दिया अक्षय ने। नवीन बैटर मैदानाच्या आत मध्ये आलाय तो म्हणजेच भावेश विषय, भावेश विषय यांनी जितक्या धावत दिल्या तितक्या वसूल करण्याची सुवर्ण संधी। विषय के सामने एक ही विषय के रन बनाने होंगे। ओ फिर टर्न हुई, फिर गेंद विकेट कीपर के पास, 500 रुपये का इनाम विनोद ठाकरे की तरफ से। आज मात्र मंदीमध्ये कुठेतरी कमवण्याची संधी आहे टीम जयहरी क्रिकेट संघ रांधोळी, आणि कमाई झाली आता अक्षयची 500 रुपयांची। दरम्यान धावसंख्या आपण पाहतोय झालेली आहे फक्त आणि फक्त 2 गडीबाद, 1 ओम 11 बोरशेती। फिर टर्न हुई लेकिन इस मरतबा ज्यादा टर्न हुई क्योंकि बारिश नहीं हो रही और पिच पर सूखा है और उसका अच्छा लाभ उठाया जा रहा है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अक्षय, ओ दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, पिचिंग अप टू द बैट्समैन एंड लॉट ऑफ स्विंग देयर, लॉट ऑफ टर्न देयर। सुक्या रबर बॉलला ग्रीप करणं खूप सोपं असतं आणि ती एक टाइट ग्रिपिंग गोलंदाज बबलूची पाहायला मिळते आणि काय टर्न मिळतोय, हातभर बॉल वळवतोय। देखिए सब कोशिश हो रही है, सब कोशिश हो रही है, सब टोटके किए जा रहे हैं, सब जतन हो रहे हैं लेकिन रन नहीं आ रहे हैं, तालियां होना चाहिए। व्हाट अ ग्रेट ओवर फिनिश बाय अक्षय। आपण एक उल्लेख केला होता की विक्रम हे मोडीत काढण्यासाठीच बनवले जातात, पण त्या विक्रमासाठी सुरुवात होणं आवश्यक होतं। बोरशेती करून फक्त 3 धावांची सुरुवात मिळालेली आहे आणि आता 24 चेंडू 107 धावांची गरज।
इस वक्त मशहूर और मारूफ कमेंटेटर मजहर खान ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं। उन्होंने महेश ठाकरे और प्रमोद मात्रे को इस शो के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, कमेंट्री पैनल के लिए शुभकामनाएं दी। तर दीपक यांच्यासाठी सुद्धा बक्षीस आहे, लगातार 3.550 रुपये, विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपये, निर्धाव षटकासाठी 1000 रुपये विनोदा ठाकरे यांच्या वतीने हे बक्षीस प्रत्येक गोलंदाजासाठी असेल। धावसंख्या 3, 4 ओव्हर में 107 रन, 84 लेग कटर करने की कोशिश, ज्यादा कटी गेंद वाइड, एक्स्ट्राज वरच कुठेतरी रिलाय राहिलेला आहे बोरुशी येथे विथ बॅट, अजूनपर्यंत फक्त एक धाव बालीच्या बॅटमधून आले। बालीकडे ती क्षमता आहे आणि ती जबाबदारी आता बालीला उचलावी लागेल, ज्या ठिकाणी अर्जुन कडून अपेक्षा होती ती पूर्ण झाली नाही, तर बाली मैदानाच्या आतमध्ये आहे। देखिए तमाम टिप्स प्रमोद मात्रे के मुझे लग रहे हैं, उनका कहना है कि आपको सिर्फ स्विंग पे ध्यान देना है, तेज नहीं करना है। ये देखिए फील्ड लेग ब्रेक, हाथों के पीछे से बैक ऑफ हैंड की हुई गेंद, रिस्क मोमेंट आहे, प्रॉपर हाय आर्म एक्शन, त्यानंतर टप्पा ऑफस्टंपच्या बाहेर, त्यानंतर बॉलला टर्न मिळतो, सर्व काही अभ्यासपूर्ण घडते। दीपक हे या बाबतीत सुद्धा अग्रेसर राहिलेला, जशी गोलंदाजी बबलू टायगरची तशीच गोलंदाजी दीपकची। 84 की अगेन, तान दिया आसमान में, फील्डर नीचे आ रहे हैं, कॉलिंग नहीं है, पहले ही गिर गए वहां पर, बच गए बल्लेबाज बाली भाकड़े, 2 रन आते हुए स्कोर में। इस मरतबा रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, मेरे ख्याल से ऑफ ब्रेक किया था उन्होंने, जिस तरह का शॉट है ये देखिए, यस इस मरतबा थोड़ा सा अंदर लाया था, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं 84। 84 को चारों तरफ मारना आसान नहीं है। ओ फील्ड लेग ब्रेक, दिस इज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम राजनोलीज बॉलर्स, लेग कटर्स लेग स्पिन खूप चांगल्या पद्धतीने पिचिंग वर हाताळतात आणि त्याचमुळे फलंदाज मेरिट वर खेळण्याऐवजी अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याचमुळे तफावत बॅट आणि बॉल मध्ये। तेज किया, पंच किया, इस मरतबा मौका नहीं है, गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, 6 रन। केलंय बघा, गोलंदाजीच्या मेरिटवर खेळले तरच तुम्हाला फलंदाजीचा क्रेडिट मिळेल आणि तेच आता क्रेडिट बालीला मिळते, एक षटकार आलेला आहे ज्या फटक्याची आवश्यकता होती, सुरुवात तर होते या दुसऱ्या षटकामध्ये। धावसंख्या 12, थोडा तेज कर बैठे थे परिवर्तन के तौर पे दीपक। 84 फ्लाइट गेंद और बोल्ड कर दिया वहां पे, फ्लाइट पे एक और विकेट गिरता हुआ, और मैं कहूंगा कि ओम 11 बुरशी थी इस वक्त कठिनाइयों में। बालीच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाली, अक्षरशः खोलून ठेवलंय फलंदाजीला। सुरुवातीचे तिन्ही फलंदाज जे आहेत ते संभ्रमात पाहायला मिळाले, बाली बाद झाले ते म्हणजेच 9 वर, अर्जुन बाद झाले 0 वर, आणि त्याचमुळे ही जी डळमळी सुरुवात आहे त्रासदायक ठरते ओम 11 बोरुशी या संघासाठी। पण अजूनही वेळ गेलेली नाहीये आणि म्हणतात जोपर्यंत वेळ आहे आपला खेळ अवश्य बदलायला हवा जिंकायचा असेल तर। देखिए मैं मानता हूं कि क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है, लेकिन इस तरह पलटवार करना इस स्थिति में मानो ऐसे कि शेर के मुंह से आप गोश्त के टुकड़े को लेकर आ रहे हो, नॉट ए इम्पॉसिबल बट नियर इम्पॉसिबल। कभी कभार चमत्कारी बल्लेबाजी से इस तरह के मैचेस जीते जाते हैं। बुरशीती की गेंदबाजों ने आज काफी नाराज किया, इस मरतबा खींच के मारा है, जबरदस्त पुल शॉट है, ब्रेक होने का इंतजार किया, पुल किया मिड विकेट पे, 6 रन। शॉर्ट बॉल आपण देऊ शकत नाही आणि त्यांनी पोझिशन घेतली, आडव्या बॅटने खेळले आणि बॉलला मिडविकेट सीमारेषेच्या बाहेर उडवलंय आणि या दुसऱ्या षटकाची जी एंड आहे सांगता आहे ती षटकाराने केले। 2 गडीबाद 18 धावा 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे, टार्गेट आहे 110 म्हणजे जिंकण्यासाठी अजूनही 92 धावांची गरज आहे आणि 92 धावा पूर्ण करण्यासाठी बॉल्स किती आहेत तर फक्त 18, 30.67 रिक्वायर्ड रन रेट।
इन्हें हर ओवर में आपको 5 सिक्सर लगाने होंगे तो भी आप मैच नहीं जीतते। गेंदबाजी में अक्षय पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है, कमाल की पहले ओवर में बोलिंग की, उन्होंने 3 रन दिया और 1 विकेट लिया था, वो भी अर्जुन बांगड़े का। बहुत कम देखने को मिलता है कि बोर्शीती की इस तरह की स्थिति हो जाए। प्रत्येक दिवस सारखाच नसतो, प्रत्येक अनुभव तुम्हाला मिळत असतात, प्रत्येक दिवशी तुम्ही हिरो बनत नसता, कधी कधी या गोष्टी शिकण्यासारख्या असतात। इस मरतबा काफी ज्यादा टर्न हुई वाइड। देखिए दीवा एकवीर हाईवे दीवे ने जो बल्लेबाजी लिए वो कंडीशन को देख के लिए, उनको पता है कि बरसात शुरू होंगी तो फिर रन उतने तेजी से नहीं बनेंगे। फ्लाइट दिया लेकिन बहुत दूर किया वाइड। त्यासमय क्लायमॅटिकल कंडिशनला लक्षात घेऊन कधी कधी कॅप्टन्स निर्णयामध्ये अदलाबदल करत असतात आणि या ठिकाणी जास्तीत जास्त कॅप्टन्स कालपासून आपण जर पाहिले तर फलंदाजीचा निर्णय घेताना पाहायला मिळेल, तर प्रबल क्रिकेटमध्ये सातत्याने पाहायला मिळते। बल्लेबाज जब दबाव में तो उसको खिलाना चाहिए और खिलाया भी आपकी मार। एक रन आता हुआ स्कोर में, देखना है कि अंपायर का कोई इशारा नहीं, टर्न किया था अब लेग बाय का इशारा। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। फलंदाज ट्राय करता है, ट्राय ट्राय बट डोंट ट्राय याच कुठेतरी तत्वावर खेळता है, पण अजूनही रोशन वेखंडी जोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये आहेत कॅप्टन आहेत, कॅप्टनला कॅप्टन इनिंग पेश करायची गरज आहे। स्मार्टबा बैकफुट पे गए, फोर्स किया लॉन्ग ऑन पे, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। सब चौके भी लगे तो काम नहीं बनेगा। ओ इस मरतबा सामने से घुमाया था बल्लेबाज के, हालांकि लेट रिबेट रहा था, बल्लेबाज का फुटवर्क की कमी थी। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है, लैक ऑफ फुटवर्क। फिर से वाइड, ज्यादा जब आप टर्न करना चाहते हैं तो आपकी जो लाइन है उस पे आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अराउंड मिडल एंड ऑफ। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेला है, एक रन बना है, आराम से सुखदेव चाह रहे हैं कि बल्लेबाज 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, कुछ नहीं होगा। पण ते प्रयत्न करायचेच आहेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये आहोत, तर ते प्रयत्न सातत्याने करावे लागतील। रोशन तसे प्रयत्न करतोय, 4 चेंडूंमध्ये 12 धावांचं योगदान रोशनच्या वतीने मिळालंय। ओम 11 बोरशीतीला धावसंख्या 28 2 गडी बाद। देखिए एक तरफा कोई भी चीज किसी को पसंद नहीं। इस मरतबा अच्छा ऑन ड्राइव है, पीछे खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन रखा हुआ है, न एक तरफा प्यार न एक तरफा हार। लेकिन पहली गेंद से हम देखें तो वन साइडेड अफेयर चल रहा है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त रही, अब गेंदबाजी उससे बढ़कर रही। रिवर्स खेलने की कोशिश आज बोर्शीती वाले आज के दिन को कभी भी रबर क्रिकेट में नहीं भूलेंगे। जिस तरह की उनकी दशा हुई है, 29 रन हुए, मैच का रिजल्ट तो सामने, आखिरी 2 ओवर में मनीष पाटिल और अगले मैच में मनीष पाटिल को पहली इनिंग में 7 निभाएंगे बाबूशा। 29 धावा 2 गडी बाद। आज देखील तारे से तारे तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतील। आज गोरसई ब हा संघ सुद्धा तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळणार आहे आणि त्याचमुळे प्रेक्षकांची ती ओढ असते, प्रेक्षकांची ती इच्छा असते चांगल्या पॉप्युलर टीमला पाहण्यासाठी, आणि म्हणून तो पॉप्युलर संघ तुम्ही कधी बनता जेव्हा तुम्ही सातत्याने वर्षानुवर्षे चांगला क्रिकेट खेळता। बोर्शीती ही सुद्धा क्राऊड पुलिंग टीम आहे, पण या ठिकाणी भाव खाऊन जाते ते म्हणजे जय हरी क्रिकेट संघ रांदोळी। 14 षटक मार्गस्थ आहे, विनीत भगत नवीन गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतात। 5 डावीकडून स्टार्ट घेतात, स्ट्रायकर एंडला रोशन वेखंडे, फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय बॉलला, एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन आहे, जास्त घाई झाली, बॉल थांबतोय, स्लो आउटफील्ड आहे, 2 दबा पूर्ण होत आहेत, अजूनही बॉलिंग एंडला बॅटर पोहोचले नाही आहेत, आणि एक धाव पूर्ण आणि दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज धावचित्च्या स्वरूपात बाद, धक्का 3 ओम 11 बोर्शीती।
दोन षटकांचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि आता त्यातला एक चेंडू संपला. 11 चेंडूंमध्ये आवश्यकता आहे 79 धावांची. 11 बॉल्स अँड 79 रन्स रिक्वायर्ड टू बी नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. हर्ष येत आहेत. हर्ष भागरे ऑन ड्राइव्ह क्षेत्ररक्षक आहे. बनेल दर्शक. बॉल सीमारेषा पार. अजूनही खूप काही बाकी आहे या सामन्यात. मिड विकेट क्लिअर करताना येतोय षटकार. सहा धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 3 गडी बाद 46 धावा. 46 रन्स ऑन बोर्ड. 10 चेंडू 28. इम्प्रेस करतोय रोशन. ऑप्शनच्या बाहेर सरकले. बॅटची लिडिंग एज. बॉल फाईन लेगला. क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे. धावण्याचा प्रयत्न होता हर्षचा पण थांबवलेला आहे रोशनने. येतोय हा डॉट बॉल. अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे या षटकातला. 46 धावा 3 गडी बाद. प्रत्येकाने जर धावा केल्या तर धावा बनतील. कारण आपण पहिल्या डावाचा आढावा घेतला तर भावेश ठाकरेने नाबाद 67 धावा बनवल्या. यावेळेस हुक केले बॉलला. फाईनली क्लिअर षटकार. 6 धावा. फलंदाजांची पाहायला मिळते. समालोचन कक्षामध्ये बाबू शाह सरांचं आगमन झालंय. आपलं स्वागत आहे. हाँ मनीष सर, बात करेंगे जो कप्तान ने यहाँ पर टॉस जीतने के साथ बल्लेबाजी छोड़ने थे और उसके साथ उन्होंने बताए थे 70+ का 70 75 है ये टोटल होता तो मैच एक रोमांचक स्थिति में होता. कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है. कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो कुदरत का नजारा है. प्यासे वो भी रह जाते हैं जो समंदर के किनारे हैं. खूप चांगला उल्लेख आपण या ठिकाणी केलेला आहे. कारण या सर्व गोष्टी जसं मी या अगोदर चर्चा करताना बोललो होतं की प्रत्येक दिवस हा चांगला नसतो पण प्रत्येक दिवसामध्ये काही ना काही चांगलं असते ते शोधायचंय. बघा चांगलं कोणी शोधलं? रोशनने. रोशनने एकूण 12 चेंडूमध्ये 34 धावा बनवल्या पण इतर फलंदाजांना ते शोधता आलं नाही. लो फुल टॉस ड्राईव्ह केल्या बॉलला. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरचा बॉलवर पोहोचेल तोपर्यंत एक धाव आता रोशनला हवी आहे आणि ती धाव पूर्ण होईल. आणि आता स्ट्रायकर एंडला रोशन पोहोचतो एका धावेची वाढ आणि धावसंख्या पोहोचते 54. बहुत बढ़िया. देखिए लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी बड़ा कमाल का रहा. उसके बाद गेंदबाजी और जो शुरुआत में जो विकेट गिरा, खास करके बात करेंगे अर्जुन वांगर का विकेट है. कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो मनीष सर चांगला उल्लेख या ठिकाणी आपण केला. चांगलं उदाहरण तुम्ही या ठिकाणी दिलं. पण अर्जुन वांगर सफलतेच्या शिखरावर
आपण सातत्याने टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये पाहिलं आहे त्या खेळाडूला, आणि त्याचमुळे हे काही बॅड पॅचेस तुम्हाला अजून जास्त प्रेरणा देऊन जातात. आणि त्याचमुळे मागच्या भिवंडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं तर अर्जुन बांगरचा तसा मनासारखा खेळ झाला नाही फलंदाजी करताना, आज सुद्धा तसा खेळ पाहायला मिळाला नाहीये. पण या गोष्टी खूप आवश्यक असतात कुठल्याही प्रतिभावंत क्रिकेटपटूसाठी. बॅटचं टो घेऊन बॉल जाते मागे धावण्याचा प्रयत्न, दोन फलंदाज एकाच एंडला, एका फलंदाजाला कदाचित परतावं लागेल, पण त्याठी इच्छा गोलंदाज प्रमोद यांची नाहीये. एकदा मिळते आणि धावसंख्या पोहोचते 55. मनीष सर बात कर लेंगे, मुन्ना पठान सर देखिए शाहपुर की बात आती है तो इनके चेहरे सबसे पहले सामने आ जाता है. और आज बोरसुती टीम का दिन नहीं, शाहपुर के समर्थक है थोड़ा जो ऑनलाइन जुड़े होंगे या मैदान पर निराश रहेंगे, लेकिन मत हो उदास बोरसुती टीम, लोग देंगे तुझे शायद आज ताना, लेकिन सर वो भी झुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना.